तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं जॉय ई रिक्शा के बारे में, जो कि आप मेरे सामने देख सकते हैं। दो कलर कॉम्बिनेशन के साथ में कंपनी ने इनको लॉन्च किया है। येलो आप मेरे सामने देख ही रहे हैं, एक उसका दूसरा वेरियंट है जो कि ब्लू कलर के साथ में है, वो आप मेरे सामने वहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करें जॉय ई रिक्शा के बारे में, तो अब तक जो है जॉय जो कंपनी है वो बाइक बनाती हुई आई है, जॉय स्कूटर भी इन्होंने काफ़ी बनाए हैं। अब आज के समय को देखते हुए जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफ़ी महंगी होती जा रही हैं, तो ई रिक्शा एक अच्छी चीज़ है जिसके अंदर भी कंपनी ने अपना हाथ डाला है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ई रिक्शा के शानदार फ्रंट लुक से आपको रूबरू कराना चाहूँगा। आप देखेंगे काफ़ी बड़ी इसकी विंडशील्ड है, एक वाइपर है, इसके आगे आपको जॉय ई रिक्शा की ब्रांडिंग मिल रही है। काफ़ी सुंदर आपको यहाँ पर बड़े बड़े हेडलाइट हैं, काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पर आगे का मडगार्ड दिया गया है जो कि टायर को गंदा होने से बचाता है। आपके कीचड़ वगैरह उछटने पर आपका जो है ई रिक्शा गंदा नहीं होगा, और मेरे ख्याल से इसके अंदर आपको जो है 8 इंच के आपको यहाँ पर जो है टायर दिए गए हैं, 8 इंच के टायर हैं। एक तरह से अगर हम देखें इसको तो ये आपको जो है सेम बजाज का जो आरी आता है कॉम्पैक्ट ई रिक्शा, उसी तरह का आपको दिखाई देता है। अंदर के अगर हम एरिया की बात करें तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर, पैसेंजर यहाँ पर 3-3 बैठ सकते हैं। पीछे की साइड में ड्राइवर को बैठने के लिए भी काफ़ी चौड़ी सीट है, पीछे आपको बैक सपोर्ट मिलेगा, लेग स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है। और साइड से अगर मैं आपको इसको दूर से दिखाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जॉय ई रिक्शा की ब्रांडिंग मिल रही है। ऊपर इसकी जो KNOP वगैरह है वो आपको कंपनी फिटेड मिलेगी ही जब आप इसको ख़रीदेंगे तब। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको अच्छा लग रहा होगा ई रिक्शा, आने वाले समय के अंदर आपको इसके अंदर काफ़ी सारा मुनाफा होने वाला है, क्योंकि आप इसको एक चार्ज के साथ में लगभग 200 किलोमीटर तक चला सकते हैं। हैंडल बार पे आप देखेंगे यहाँ पर आपको वो सारे के सारे कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि एक ई रिक्शा के अंदर मिलते हैं। डिस्प्ले के अंदर आपको तमाम सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन शो हो ही जाएंगी। दो दो आपको यहाँ पर लॉकेबल ग्लव बॉक्स दिए हैं। तो इस तरह का ई रिक्शा है दोस्तों, मैं पीछे से आपको दिखा दूँ इसको, तो पीछे से भी काफ़ी खूबसूरत यह हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों आप, जो बजाज के ई रिक्शा आते हैं, बजाज के जो ऑटो रिक्शा आते हैं, उसी तरह का आपको यहाँ पर लुक जो है इसका देखने के लिए मिलता है। तो येलो और ब्लू इसके दो कलर हैं, ब्लू कलर आप मेरे सामने वहाँ देख सकते हैं, ब्लू कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में, कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसी तरह से येलो कलर भी इसका काफ़ी आकर्षक है, आप अपनी चॉइस के अनुसार इनको परचेज कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताऊँ तो इसके अंदर आपको 340 kg के आसपास का पेलोड मिलेगा, लिथियम आयन बैटरी है, L5 कैटेगरी में आने वाला ये व्हीकल है। इसके अंदर दोस्तों आपको 55 से लेकर के 50 तक की जो है स्पीड मिल जाएगी मैक्सिमम, और 7% की आपको जो है चढ़ाव चढ़ने की क्षमता भी इनके साथ में मिलती है। तो काफ़ी अच्छा है, सुंदर सा है, आप एक बार दूर से देखें कितना सुंदर ये हमें दिखाई दे रहा है। कीमतों की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इसकी कीमत बढ़ती है 3,40,000 रुपये के आसपास, और 60,000 रुपये के आसपास की आपको यहाँ पर भारत सरकार से जो है वो सब्सिडी भी मिल जाएगी। तो ये पड़ जाएगा आपको लगभग 3.25 लाख रुपये के आसपास का। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और ये जो है ऑटो रिक्शा भी आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा होगा। इसके अंदर आपको बैटरी जो मिलती है वो 100 AH की बैटरी है, और 12 मंथ की आपको इसके ऊपर वारंटी मिलेगी, 36 महीने की बैटरी के ऊपर वारंटी मिल जाएगी। तो काफ़ी तरह से सेफ़ है, आप इसको परचेज करके अपने बिजनेस के अंदर दिन रात मुनाफा बढ़ा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।